Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the duplicate recessive epistasis, or it is also known as the complementary gene interaction. So इस video tutorial में मैं जो discuss करने वाला हूँ duplicate gene interaction या complementary gene interaction के बारे में discuss करने वाला हूँ. जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ dominant and duplicate dominant के केस में, तो उसी तरीके का केस बनेगा डुप्लीकेट इस रिसेसिव एपिस्टेसिस के केस में. ठीक है, डुप्लीकेट रिसेसिव जो एपिस्टेसिस का केस है इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन. इसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन. एंड इसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन भी बोला जाता है. डिस्कवर्ड बाय द बैट्सन ने इसको डिस्कवर किया था. दिस डुप्लीकेट रिसेसिव किस में डिस्कवर किया था, इन लथायरस ओडोरेटस में डिस्कवर किया था इसको. और क्या किया था, लथायरस ओडोरेटस ऑल्सो नोन एज द स्वीट पी. हालांकि इसका नाम स्वीट होता है लेकिन ये स्वीट बिल्कुल भी नहीं होता, ऑस्टियो एंड न्यूरोलथायरिज्म कॉज करता है वेरियस ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, तो बैट्सन ने इसको डिस्कवर किया था लथायरस ओडोरेटस कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन के नाम से भी बोला जाता है. जैसा कि डुप्लीकेट डोमिनेंट में आपको बताया था उसी तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा. डुप्लीकेट रिसेसिव नाम में क्या है, डुप्लीकेट और क्या होना चाहिए, रिसेसिव. रिसेसिव एलील इंट्रैक्शन, रिसेसिव जीन इंट्रैक्शन या एपिस्टेसिस अगर आपको समझ में आया हो, मतलब एक जीन का रिसेसिव एलील फॉर्म जो था वो अगर किसी जीन के इफेक्ट और किसी भी दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर रहा था तो उसको रिसेसिव एपिस्टेसिस बोलते हैं. डुप्लीकेट का मतलब हो गया कि ए जीन हो चाहे बी जीन हो, चाहे ए का रिसेसिव एलील हो या बी का रिसेसिव एलील हो, इफ़ बोथ शोज द सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर. जैसे डोमिनेंट में डोमिनेंट एलील दोनों जीन के सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर शो कर रहे थे, यहाँ पे दोनों के रिसेसिव एलील जो है सेम फिनोटाइप अगर शो करते हैं तो ऐसे इंट्रैक्शंस को बोलते हैं डुप्लीकेट रिसेसिव इंट्रैक्शन. ऐसे रिसेसिव इंट्रैक्शन को क्या बोला जाएगा, डुप्लीकेट रिसेसिव इंट्रैक्शन बोथ जीन. ठीक है, बोथ जीन अगर इनको बोला जाए लैंग्वेज के फॉर्म में, व्हाट यू हैव टू शो दैट द रिसेसिव एलील ऑफ बोथ जीन दैट इज व्हाट ए एंड बी शो सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर. क्या करेगा, सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर को शो करेगा. जब इस सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर को शो करेगा दैट मींस कि अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखना होगा कि कैसे प्रॉब्लम को कैसे अब लेके पाथवे में चलते हैं. ये रहा डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस. पाथवे की बात करूँ तो मैंने आपको बताया सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करेंगे. अब ये रिसेसिव है तो कैसा पाथवे होना चाहिए, दैट मस्ट बी टू स्टेप पाथवे. ये भी टू स्टेप पाथवे होगा, जैसा कि आपने देखा था रिसेसिव एपिस्टेसिस में, तो डुप्लीकेट रिसेसिव में भी टू स्टेप पाथवे होगा. दैट मीन्स देयर इज अ इंटरमीडिएट होगा आपके लिए, इंटरमीडिएट पाया जाएगा डुप्लीकेट रिसेसिव में. नाउ सी हियर, अब क्या होगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि अ पर्टिकुलर कंपाउंड दैट इज नोन एज एक्स विच इज वाइट इन कलर और द कलरलेस कन्वर्टेड इन द फर्स्ट दैट इज वाई में कन्वर्ट होगा, विच इज ऑल्सो वाइट इन कलर एंड दिस वाई इज कन्वर्टेड इन टू द जेड विच इज पर्पल इन कलर. किस कलर में है, पर्पल इन कलर. नाउ दिस एक्स इज कन्वर्टेड इन टू द वाई, ये जो एक्स है वाई में कन्वर्ट होता है एंजाइम E1 से, एंड दिस एंजाइम इज सिंथेसाइज बाई कैपिटल ए जीन दैट इज कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड दिस वाई इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम E2 विच इज सिंथेसाइज बाई द कैपिटल बी जीन और कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी दिस जीनोटाइप. तो ये यहाँ से सिंथेसाइज होता है. ठीक है, नाउ द केस की अगर बात करें कि कैसे ये डुप्लीकेट रिसेसिव इंट्रैक्शन है, कैसे दोनों के रिसेसिव फॉर्म इसको अप्लाई करेंगे, देखने की कोशिश करिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल ए बना, केस नंबर वन, अगर स्मॉल ए बना तो क्या हो जाएगा, नो एंजाइम ई वन नहीं होगा, नो ई वन देन व्हाट विल बी द कलर,
कलर जो मिलेगा वो वाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई भी अगर ए वन यहाँ पे आया, स्मॉल ए, ई वन बनेगा ही नहीं यहाँ पे, जब ई वन नहीं बनेगा तो वाइट रह जाएगा। अब दूसरा केस देखिए, स्मॉल बी, अगर यहाँ पे स्मॉल बी आया, स्मॉल बी क्या ई टू को बनने देगा? बिल्कुल नहीं। जब ई टू को बनने नहीं देगा, नो ई टू, जब ई टू नहीं मिलेगा तो कौन सा कलर मिलेगा? तो भी तो वाइट ही मिलेगा। ये वाइट भले ही ए हो चाहे ना हो, ये देखिएगा, ये भी वाइट शो कर रहा था, वाई भी वाइट शो कर रहा था, इसका मतलब है कि ये भी वाइट शो कर रहा है। दोनों के दोनों रिसेसिव फॉर्म, दोनों जीन के सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं? ऐसे केसेस को बोलते हैं डुप्लीकेट रिसेसिव इंट्रैक्शन और द कॉम्प्लीमेंट जीन इंट्रैक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन। समझ में आया कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन होगा। नाउ कंसीडर करते हैं रेशियो के बारे में। पाथवे अगर समझ में आ गया होगा तो लेट्स कंसीडर फॉर द रेशियो। बार बार बताता हूँ कैसे लिखना है अपने आप को। कैपिटल ए तीन बार लिखिए वर्टिकल, ठीक है? कैपिटल ए तीन बार लिखिए, फिर उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर स्मॉल ए। अब मैं कैपिटल बी को लिखूंगा हॉरिजॉन्टल, कैपिटल बी। कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे स्मॉल बी। ये आपने लिखा। अब एक चीज़ बताइए कि जब इनको लिखने के बाद फिर से मैंने फोर बॉक्स रूल बताया था, फोर बॉक्स रूल से थ्री बॉक्स में गए थे, अब टू बॉक्स में जाएंगे, कि जहाँ जहाँ पे स्मॉल ए प्रेजेंट होगा और स्मॉल बी प्रेजेंट होगा, सब सेम फोनोटोपिक कैरेक्टर शो करेंगे कि नहीं करेंगे? ये पूरा बॉक्स जो होगा एक साथ आएगा, सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करेगा। अगर रेशियो आपको याद हो तो कैसा था, 2:4:2 एंड दिस इज 1:2:1, यही होगा आपके लिए, ठीक है? तो एक बात बताइए, जब ये पार्ट बनेगा, ठीक है, जब ये पार्ट बनेगा तो दैट मीन्स कि आपके लिए क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है इसमें काउंट करेंगे कितना आएगा? देखिए, 2 2 4 3 7, ये बना 7। और इस जो सेकेंड बॉक्स की बात करते हैं, द फर्स्ट एंड सेकेंड बॉक्स, इसमें आएगा 9। दिस इज फर्स्ट बॉक्स, दिस इज सेकेंड बॉक्स। सेकेंड टू बॉक्स रूल, इसको क्या बोलेंगे? टू बॉक्स रूल, इसको बोलते हैं हम टू बॉक्स रूल। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन और द डुप्लीकेटिव रिसेसिव जीन इंट्रैक्शन। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसको डुप्लीकेटिव रिसेसिव इंट्रैक्शन को कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन भी बोला जाता है। बैट्सन ने डिस्कवर किया था इन लथायरस ओडोरेटस स्वीट पी। एंड डुप्लीकेटिव रिसेसिव की बात करें, डुप्लीकेट रिसेसिव मतलब दोनों रिसेसिव फॉर्म ऑफ अ जीन शोज द सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर। द रिसेसिव एलील ऑफ द बोथ जीन ए एंड बी शोज द सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर। एज यू कैन सी इन दिस पाथवे कि एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, वाई जेड में इंटरमीडिएट पाथवे भी है, लेकिन एक्स और वाई का कलर सेम है, जिसकी वजह से अगर ए बी स्मॉल कंडीशन होगा, नो ईवन होगा, वाइट कलर अप मिलेगा। स्मॉल बी कंडीशन होगा, नो ई टू, वाइट कलर मिलेगा। सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर, द रेशियो विल बी 9:7, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन। ओके गाइस, होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे भी, लाइव पढ़ाता हूँ, और फ्री लेसन्स भी मेरे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं। अनअकैडमी के प्रोफाइल पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे, वेन सिंह सर्च करिए मेरे नाम को, आपको मिल जाएगा प्रोफाइल, और वहाँ पे फॉलो कर लीजिए प्रोफाइल को और बाकी सारी चीज़ें देख लीजिए। एंड आपको बता दें कि जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं सबसे ज़्यादा लाइव मिनट्स लेने वाला मैं एजुकेटर हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, CSIR कैटेगरी में। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है, आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। एंड उसके बाद मैं बात करूं कि आप ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस को, और जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं डोंट फॉरगेट टू यूज़ द रेफरल कोड दैट इज़ द वीरन, दैट विल गिव यू द 10% डिस्काउंट। गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।